पुलिस अब पत्थरबाजों से निपटने के लिए तैयार हो गई है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस को अब पहले से अधिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इनके पास इस तरह के किट दिए जाएंगे ताकि पत्थरबाजी के दौरान भी इनको किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो और बड़ी आसानी से अपने काम को अंजाम दे सकें और उग्र भीड़ को शांत करवाया जा सके। अब बिहार पुलिस को उपद्रवों से और पत्थरबाजों से निपटने के लिए एडवांस फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सुरक्षा कवच को पहनने के बाद पुलिसकर्मी 360 डिग्री से होने वाली पत्थरबाजी में सुरक्षित रहेंगे। इसमें छाती के लिए प्रोटेक्टर, कंधे के पैड, ऊपरी भुजा गार्ड, कोहनी गार्ड, ग्रोइन और सीन गार्ड आदि होगा। इस सुरक्षा कवच का वजन करीब 6 किलोग्राम है। बिहार में पहली बार पुलिसकर्मियों को एडवांस फुल बॉडी प्रोटेक्टर मिला है। इसका पहली बार जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए वहां की पैरा मिलिट्री और अन्य फोर्स करती थी। इससे रबर फाइबर समेत अन्य मटेरियल से बनाया गया है। इस प्रोटेक्टर से लैस पुलिस पत्थरबाजी के बीच रुकेगी नहीं और बल्कि आगे बढ़ती रहेगी और उपद्रव को दबोच लेगी। कई बार हंगामा के बीच होने वाली रोड़ेबाजी में पुलिस एक जगह पर ही रुक जाती है, वह अपने को बचाने लगती है। बताया गया कि नए एडवांस बॉडी प्रोटेक्टर पुराने बॉडी प्रोटेक्टर से कई गुना ज़्यादा सुरक्षा कवच का काम करेगा। मालूम हो कि बुलेट प्रूफ सुरक्षा कवच केवल गोली और छर्रों को रोकता है, जबकि इससे खास तौर पर रोड़े से बचने के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी तरह के बवाल में चलने वाले पत्थर एवं रोड़ेबाजी समेत अन्य चीज़ों से पुलिस पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। मुजफ्फरपुर रेल थानेदार रंजीत कुमार ने बताया कि एडवांस बॉडी प्रोटेक्टर रेल पुलिस को भी दिया गया है। रेल थाना मुजफ्फरपुर ने 6 बॉडी प्रोटेक्टर आया है। इसमें पुलिसकर्मी हंगामा और बवाल के दौरान होने वाली रोड़ेबाजी एवं हमले से बचे रहेंगे। सिटी SP अवधेश सरोज ने दक्षता में कहा कि जिला पुलिस के लिए एडवांस बॉडी प्रोटेक्टर मिला है। जिले के सभी थानों में इसे दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट पटना।